हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं सपोर्ट के डिज़ाइन के लिए कारक। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। ओवरहेड लाइन के लिए विभिन्न प्रकार के सपोर्ट की संरचना निम्नलिखित कारकों पर निर्भर करती है। नंबर वन है विद्युत संचरण शक्ति, इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन पावर। नंबर सेकेंड है इलेक्ट्रिक ट्रांसमिशन की वोल्टता, मतलब जो वोल्टता होती है उस पर निर्भर करता है। लाइन का स्पान, स्पान पर निर्भर करता है। जलवायु संबंधी स्थितियां तथा वायु दाब पर निर्भर करता है। ओके, अब जान लेते हैं हम सपोर्ट की ऊंचाई को प्रभावित करने वाले कारक, मतलब जो हमारी सपोर्ट होती है, पोल या टावर कुछ भी हो सकता है, उसको जो प्रभावित करते हैं वो कौन कौन से कारक है। तो फर्स्ट होता है हमारा लाइन वोल्टेज, वोल्टेज प्रभावित करता है, और एक होता है लाइन स्पान। ओके, तो ये दो चीजें होती हैं जो हमारे लाइन को प्रभावित करती हैं। अब देख लेते हैं हम कुछ पोल्स के बारे में। कास्ट खंभे क्या होते हैं? वुड पोल। तो ये दो प्रकार के होते हैं, सिंगल वुड पोल, डबल वुड पोल। अब डबल वुड पोल की भी हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ए टाइप वुड पोल, एच टाइप वुड पोल। अब हमारी इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, चलिए विशेषताएं जान लेते हैं। कौन कौन सी विशेषताएं होती हैं? तो फर्स्ट है पृथ्वी से सामान्य ऊंचाई, जो पृथ्वी से सामान्य ऊंचाई होनी चाहिए इसकी 7 से 11 मीटर, कम से कम इसकी 7 से 11 मीटर ऊंचाई होनी चाहिए। और सेकंड है पृथ्वी के लिए नीचे सामान्य गहराई, जैसे कि हम जो खंभा होता है या पोल होता है उसे नीचे अंदर गहराई करते हैं, इसकी गाड़ते हैं, उसकी होनी चाहिए 1.2 से 2 मीटर अंदर होना चाहिए, जमीन के अंदर। न्यूनतम आधार परिधि होनी चाहिए 66 सेंटीमीटर, एंड इसका स्पान होना चाहिए, जो हमारे दो पोल होते हैं, स्पान क्या होता है, जो हमारा एक पोल होता है और जो दूसरा पोल होता है उन दोनों के बीच की दूरी, मतलब दो पोल के बीच की दूरी हमारा क्या कहलाती है, स्पान। ओके, तो न्यूनतम शिखर परिधि 38 होनी चाहिए, इसकी शिखर परिधि क्या होनी चाहिए, 38 सेंटीमीटर, और दो पोल के बीच का स्पान 60 मीटर होना चाहिए। ओके, तो देखिए ये है वुड पोल हमारे, ये है सिंगल वुड पोल, ये सिंगल है, एंड ये है डबल वुड पोल, मतलब ये डबल है तो इसे बोलेंगे हम डबल वुड पोल। इसे भी हम टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ए टाइप और एच टाइप। ओके, तो ये जो होता है इसकी लंबाई होती है 7 से 11 मीटर, जैसा कि मैंने अभी बताया इसकी जो यहाँ से लेके यहाँ तक की लंबाई होती है 7 से 11 मीटर। अब ये जो है ये अर्थ है हमारी, मान लीजिए ये अर्थ है, इसके अंदर जो भी हम इसके अंदर जो हमने सपोर्ट के लिए इसे अंदर रखा है वो हम रखेंगे 2 मीटर, या 1.2 मीटर रख सकते हैं। ओके, अब ये है, ये क्या है हमारी क्रॉस आर्म लगी है, ये इंसुलेटर लगा है इसके ऊपर, इसके ऊपर हो गए इस तरीके से हमारे वायर जाते हैं इस तरीके से ये। ओके, ये और ये हमारा ये तो हमारा पेच लगा है, ये इंसुलेटर है सभी, इसमें भी देखिए ये इंसुलेटर लगे हैं। ओके, और ये जो शिखर, मतलब जैसे ये एक पोल है ऐसा ही सेम हम यहाँ पर एक पोल बता रहे, तो उनके बीच की जो दूरी होती है वो 60 मीटर होनी चाहिए, स्पान होना चाहिए 60 मीटर। ओके, तो देखिए ये है और ये लकड़ी का है, तो ये हमारा ज़्यादातर यूज नहीं किए जाते, हम इसकी जो हानियाँ भी बताएंगे आगे देख लेते हैं। ये है डबल वुड पोल, तो देख लेते हैं डबल वुड पोल में कितनी गहराई होनी चाहिए एंड कितनी लंबाई होनी चाहिए वो जान लेते हैं। तो इसके मैंने जैसे कि बताया आपको टू टाइप्स होते हैं, ए टाइप एंड एच टाइप। तो ये मैंने इस तरीके से लिख लिया है, अगर आपको एग्जाम में लिखवाने के लिए आता है तो मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया है, आप उसको डिटेल में लिख सकते हैं। जैसे मैंने पीछे आपको ए सिंगल वुड पोल को लिख के बताए थे, तो इसकी जो नॉर्मल हाइट होती है 11 से 13 मीटर, ए टाइप वालों की, और एच टाइप वालों की 12 से 14 मीटर। इसकी जो गहराई होती है इसे 2 मीटर अंदर होनी चाहिए या 2.5 मीटर, इसकी भी सेम 2.5 या 3 मीटर। ओके, तो ये जो मैक्सिमम स्पान होता है, मतलब दो जो पोल होते हैं उनके बीच का जो दूरी होती है वो होनी चाहिए 80 मीटर, एंड इसमें होनी चाहिए 150 मीटर, मतलब 150 मीटर। मैक्सिमम वोल्टेज 66 kV एंड 132 kV, ये हमारा जो 132 kV है ये है ना ट्रांसमिशन लाइन के लिए यूज किए जाते हैं। ओके, ये है ड्यूरेबिलिटी, तो इसकी होती है मतलब जो हमारी कितने टाइम तक ये चलता है। ओके, तो ये 20 से 25 ईयर, मतलब इतना टाइम चलता है, और ये भी 20 से 25 ईयर। अब इसकी होती है सेफ्टी फैक्टर, सेफ्टी फैक्टर इसका होता है 3.5, इसका भी होता है 3.5। ओके, 3.5। अब जान लेते हैं इसकी प्रॉपर्टी, तो प्रॉपर्टी क्या होती है,
प्रॉपर इसकी वुड पोल ही विद्युत के कुचालक होते हैं, इनमें सप्लाई प्रवाहित नहीं हो सकती, ये कुचालक होते हैं, भार में हल्के होते हैं, उठाकर रखने में सुगम होते हैं, मतलब हम इसे कहीं भी उठाकर रख सकते हैं, परिवहन कीमत कम होती है, मतलब जो हम वाहनों में लेके आते हैं उनकी कीमत कम होती है, इसका स्थापन कार्य सरल होता है, कीमत में सस्ते होते हैं, कीमत में सस्ते इसलिए होते हैं क्योंकि हमारे यहाँ पर जो जंगल होते हैं हम वहाँ से इन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, जंगली प्रदेशों से हम इन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए अब हम इसके डिसएडवांटेज जान लेते हैं। ये है इसके डिसएडवांटेज। तो नंबर वन है, इसकी यांत्रिक सामर्थ्य निम्न होती है, मतलब कम होती है, इसमें लचक होती है, इसमें ये टेढ़ा मेढ़ा हो सकता है बिकॉज ये सीधा नहीं होता। ओके, तो अब जो हमारे वन में जो पौधे होते हैं वो सीधे तो होते नहीं है, हमें इन्हें सीधा करना पड़ता है, अतः तनाव पर झुक जाता है, मतलब जो हवा वगैरह होती है या कोई भी तनाव पड़ता है तो ये झुक जाते हैं। इनमें दीमक लगने का डर रहता है, लकड़ी के होते हैं इसलिए इनमें दीमक लगने का डर रहता है, इनमें आग लगने का या जलने का डर रहता है, इनमें इनका जीवन काल अपेक्षाकृत कम होता है, लगभग 20 वर्ष के बाद लाइन का नया निर्माण करना पड़ता है क्योंकि इनका जो ईयर है ये ज़्यादा 25 ईयर तक अच्छे से रह सकते हैं, इसलिए इनका पूरी लाइन का निर्माण 20 ईयर बाद करना पड़ता है। यह देखने में सुंदर नहीं लगते, यह आंधी तूफान व तेज हवा से टूट गिर जाते हैं, इनमें मरम्मत एवं अनुरक्षण कीमत अधिक होती है, इनकी जो मरम्मत कीमत होती है वो अधिक हो जाती है, ये संपूर्ण लाइन इकोनॉमिकल नहीं होती। ओके, संपूर्ण रूप से इकोनॉमिकल होते हैं, सॉरी। ओके, अब जान लेते हैं हम एप्लीकेशन। तो एप्लीकेशन क्या है इसके, मतलब उपयोग। फर्स्ट है, उपरोक्त दोषों के कारण इनका प्रयोग ओवरहेड लाइन में किया जाता है। कम ऊंचाई के सिंगल पोल का प्रयोग लो वोल्टेज पर 60 मीटर स्पान के लिए करते हैं। अब ये जो एच टाइप वुड पोल होते हैं, एच टाइप वुड पोल का प्रयोग ओवरहेड लाइन के प्रारंभ एवं अंतिम सिरों तथा मोड़ पर लाइन की दिशा परिवर्तन के लिए भी होता है। मतलब जो एच पोल वुड पोल होते हैं उनका जो ओवरहेड लाइन में जो हम प्रयोग करते हैं, जैसे अंतिम सिरा, या तो हमारा प्रारंभिक सिरा हो गया जहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं, या अंतिम सिरा, या फिर मोड़, कोई भी हमारा मोड़ आ जाता है वहाँ पर हम इनका यूज कर सकते हैं। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस।